सभी को इसी तरह से डाल लेना है दोस्तों, सभी पनीर को। फाइनली दोस्तों देखिए कितना बढ़िया हो चुका है, हमको लगता है कि एक तरफ से पक गया है ना सर। इलाटी तो जिलेबी जैसा एक ही में हो गया है। वाह देखिए कितना मस्त लग रहा है दोस्तों, सब छोड़ और हम लोग का देखिए दोस्तों जिलेबी टाइप का एक ही में सटा हुआ है दोस्तों। देखिए मस्त लग रहा है, वाह। तो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना मस्त एकदम लग रहा है दोस्तों। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको प्रेम आशा फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए आशा जी लग चुकी हैं, क्या क्या दो कर रही हैं, क्या कर रही हैं जी? आग सुनगा होता नहीं, आग सुनगा रही है। देखिए दोस्तों तो आज हम लोग बनाने वाले हैं दोस्तों पनीर पकौड़ा। तो आप लोग बन रहे हैं इस वीडियो में, आपको दिखाते हैं आशा जी कैसे बनाती हैं पनीर पकौड़ा। देखिए चूल्हा वूल्हा जला रही हैं दोस्तों, देखिए इसमें देखिए हम लोगों का कैसे चूल्हा जलता है दोस्तों, देखिए कैसे जला रही है। देखिए अब उसी पर गोईठा रख देंगे दोस्तों, तो धीरे धीरे पकड़ लेगा। देखिए तो फाइनली दोस्तों देखिए हम लोग ये मसाला ले लिए हैं और इसको हम लोग पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग का चूल्हा कितना बढ़िया जल रहा है दोस्तों, देखिए मस्त एकदम लग रहा है दोस्तों आँच। तो देखिए दोस्तों हम लोग पनीर लेकर के आए थे और रुमाल में बने थे और लाल हो गया है दोस्तों, ये कपड़ा का कलर आ गया है दोस्तों, देखिए देखिए। तो कोई बात नहीं है उससे दोस्तों, इसको हम कट करेंगे हम लोग। तो आशा जी अब इसको मतलब कि पीस काटेंगी, देखिए चाकू छोटा है दोस्तों, देखिए इस तरह से काटेंगे। फाइनली दोस्तों देखिए हम लोग कट कर लिए हैं, पीस बना लिए हैं। देखिए दोस्तों आशा जी बेसन ले ली हैं और जो मसाला हम लोग दोस्तों अति किए थे पीसे थे वो मसाला है दोस्तों। और देखिए नमक, आशा जी बेसन में नमक डाल रही हैं, देखिए मसाला भी डलाएगा ना जी। हाँ देखिए मसाला भी डाल रही हैं आशा जी, वाह बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। और हम लोगों का कढ़ाई भी बैठ गया है दोस्तों इधर, देखिए कितना अच्छा हम लोग का आँच लग रहा है दोस्तों, देखिए मस्त। देखिए इधर पीस रहे थी मतलब मिक्स कर लिए। तो देखिए दोस्तों हम लोग का बेसन एकदम कंप्लीट एकदम फेटा गया है, देखिए कितना मस्त लग रहा है दोस्तों, देखिए एकदम शानदार तैयार हो गया है दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम लोग का देखिए कढ़ाई और तेल गर्म हो चुका है और आशा जी लेकर के देखिए पनीर को डाल रही हैं इस बेसन में और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, देखिए। और इसमें डालेंगे देखिए, एक एक करिए नहीं तो सब घोंस जाएगा, वाओ देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। सभी को इसी तरह से डाल लेना है दोस्तों, सभी पनीर को। डालिए और डालिए डालिए, देखिए फर्स्ट क्लास का एकदम गर्म हो गया है दोस्तों हम लोगों का कढ़ाई। डाल दीजिए सब बंट जाएगा, देखिए दोस्तों हम लोग सभी पनीर को एक ही बार में डाल लेंगे, देखिए वाओ। एक ही बार में अट गया दोस्तों, बीच में भी जगह है एक। मस्त हो गया दोस्तों। फाइनली दोस्तों देखिए कितना बढ़िया हो चुका है, हमको लगता है कि एक तरफ से पक गया है ना आशा जी, देखिए देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, देखिए वाओ हाँ हो गया है। देखिए दोस्तों इसको उलट दिया जाएगा, एक ही में सब का हो गया है जी, इलाटी तो जिलेबी जैसा एक ही में हो गया है।
वाह देखिए कितना मस्त लग रहा है दोस्तों, सब छोड़ देगा लेकिन मस्त एकदम लग रहा है। देखिए एक ही बार में पलट गया दोस्तों, फर्स्ट क्लास का एकदम लग रहा है। वाह तो फाइनली दोस्तों हम लोग का देखिए पनीर पकौड़ा एकदम रेडी हो गया है दोस्तों ना आशा जी। अब देखिए आशा जी निकाल रही है दोस्तों, और हम लोग का देखिए दोस्तों जिलेबी टाइप का एक ही में सटा हुआ है दोस्तों। देखिए मस्त लग रहा है, वाह तो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना मस्त एकदम लग रहा है दोस्तों। फर्स्ट क्लास का एकदम पनीर पकौड़ा रेडी हो गया है दोस्तों। तो हम चलते हैं इसको टेस्ट करके बताते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है आशा जी पनीर पकौड़ा कैसा बनाई है। तो फाइनली दोस्तों देखिए हमको पनीर पकौड़ा मिल चुका है, कितना मस्त लग रहा है दोस्तों, और हम इसको टेस्ट करके बताते हैं दोस्तों कैसा लग रहा है। देखिए मस्त एकदम देखने में तो अच्छा लग रहा है, देखिए कितना बढ़िया बना है दोस्तों, एकदम कुरकुर लग रहा है दोस्तों देखने में, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास का लग रहा है। तो खा करके चेक करके बताते हैं। वाओ लो। तो फाइनली दोस्तों बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप लोग भी अपने घर पे पनीर पकौड़ा इसी तरह से बनाइए दोस्तों, इसी मसाले का यूज़ कीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो चलते हैं, फिर कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।